हेलो, मैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैप माइंड द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड सबसे पहली चीज ये है कि लिविंग क्या चीज होती है। लिविंग देखिए वह चीज होती है जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है तो वो लिविंग कहलाता है। या लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ग्रो करने की या साइज को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है, या अपने नंबर्स को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस करने की पावर होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टिमुली जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है अटैक करता है तो वो उसके रिस्पॉन्स में जो है कोई वर्क करेगा। जैसे कि आपको किसी ने पिंच किया तो आप जो है उसके अगेंस्ट जो है वर्क करेंगे, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज क्या है, हमारी बॉडी में जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर तो उसको जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे कि सिंथेसिस होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर के जो है एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल का बनना, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, वो जस्ट उसके अपोजिट है। जैसे उसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल का जो है ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में लिविंग वर्ल्ड को जो है वो कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले जैसे कि किंगडम है, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। देखिए किंगडम में जो है बहुत सारे डिवीजन आ सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस आ सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, बहुत सारी फैमिली। तो ये जैसे कि जो है जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे इसमें कैटेगरीज में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में वो जनरल रहेंगे, और जबकि जो सबसे लास्ट में जैसे कि स्पीसीज है वो एक जैसे कह सकते हैं स्पेसिफिक रहेगी, सिंगल रहेगी। अब जैसे कि स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो उसका राइट आंसर होगा वो स्पीसीज होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक हमने इसलिए बोला कि पार्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए एक ही स्पीसीज होगी। अब जैसे कि किंगडम को बहुत सारों के लिए हो सकता है, किंगडम प्लांटी प्लांटी में बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं, इस वजह से जो है ये जनरल है, ठीक है। और जबकि जितना ही आप जो है नीचे पड़ते जाएंगे, डाउनवर्ड होते जाएंगे, वो स्पेसिफिक होता जाएगा। अब हुआ क्या है कि क्लासिफिकेशन की जो है जैसे कि जरूरत क्यों पड़ी, प्लांट्स को जो है क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ था प्लांट, जैसे कि लिविंग प्लांट्स को जो है वो क्लासिफाई करने के लिए। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हुआ क्या था कि इसको जो है जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वर्ल्ड वाइड है इस वजह से। और अगर हम जैसे कि जो है अगर उसको किसी भी बॉटनिकल नेम लिखेंगे किसी प्लांट का, तो इटैलिक्स में लिखेंगे, जिसमें कि पहला कंपाउंड जो होगा वो जीनस कहलाएगा, जो कि उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी। और सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो जो होगा स्पीसीज होगा, जिसमें कि जो है स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगी। अब इसमें जैसे कि अगर आप प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो आईसीबीएन के थ्रू करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और अगर आप किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आईसीजीएडएल के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी में क्या किया गया, टैक्सोनॉमी टर्म जो है कि ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के वैरायटीज को क्लासिफाई करने के लिए किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में हम लोग प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं। अब क्लासिफिकेशन से ये हुआ कि जैसे कि सारे प्लांट जो है वो क्लियर और समझ में आने लगे कि कौन सा प्लांट क्या नेम है या उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें जो है उसको समझ में आने लगी। अब टैक्सोनॉमी में जो है करते क्या है, हम लोग की स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की, जबकि सिस्टेमेटिक में क्या होता है कि सिस्टेमेटिक में ऑर्गेनिज्म की जो है डाइवर्सिटी को और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर, उसके एंसेस्टर्स के बेसिस पर जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।